नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पाली में युवा कांग्रेस ने नगरपालिका सीएमओ भूपेंद्र सिंह को आज नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के नाम संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। युवा कांग्रेस नेताओं ने यह पत्र कलेक्टर उमरिया एसडीएम पाली को भी प्रेषित करते हुए अपील की है कि उनकी मांगे निर्धारित तिथि में पूर्ण कर ली जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस आगामी दिनों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगरपालिका स्थानीय बस स्टैंड बनाने में रुचि नहीं ले रहा, जिससे आमजन को बेहद परेशानी हो रही है। वहीं चौपाटी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिसे अविलंब पूरा किया जाए। युवा कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि प्राचीन सगरा तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, साथ ही सभी वार्डों और नालियों की बेहतर साफ सफाई पर भी जोर दिया जाए। द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जनहित के मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से बस स्टैंड की समस्या, चौपाटी की समस्या, वार्ड क्रमांक 4 की सहरा से खलौन तक की जो रोड है उसकी समस्या, तालाब के सौंदर्यीकरण की समस्या और भी कई सारे जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें एक माह के भीतर उनसे निवेदन किया गया है कि इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। में जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चौपाटी और बस स्टैंड का कार्य निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी पूर्ण नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये क्षेत्र माननीय सुश्री मीना सिंह मंत्री हैं, विधायक 20 सालों से हैं, आज तक पाली नगर मैं ऐसा कोई विकास की प्रगति नहीं किया है जो दिखे। आज लोग तारस्त हैं, नगर पालिका के लोग, जगह जगह गड्ढे हैं और पानी की समस्याएं हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग यूथ कांग्रेस के कमेटी के द्वारा आज नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम एक महीना के अंदर, अगर हमारी समस्या नहीं सुना जा रहा है तो हम उग्र आंदोलन करने में विवश रहेंगे। यूथ कांग्रेस के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र अंदर निर्माण कार्य एवं सफाई व्यवस्था के लिए हम ज्ञापन दिया गया है, जिसे निर्माण कार्यों को परिषद के समक्ष रखकर शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा और इनकी मांगों का निराकरण होगा। ये आए दिन सर चौपाटी की मांगे उठ रही हैं कि चौपाटी नहीं बनाई जा रही है और बस स्टैंड को लेकर के आमजन परेशान, क्या कुछ चौपाटी का काम निर्माणाधीन है, बस स्टैंड का काम स्वीकृत होने में थोड़ी बजट की समस्या, बजट शीघ्र प्राप्त होने पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य भी शीघ्र कराया जाएगा।